सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। आज का पंचांग 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि सुबह 7:10 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:11 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार, कानूनी योजनाओं या अनुबंधों पर अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपने पति पत्नी या किसी खास की सलाह लेना ना भूलें। सेहत या तंदुरुस्ती से जुड़ी चिंताओं के लिए आपको अकेले रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी झगड़े से दूर रहें और मूर्खतापूर्ण कनेक्शन से बचें। प्रगति, उपलब्धि, निपुणता, प्रसिद्धि और सार्वजनिक पहचान, इन सब को अनुभव करने का वक्त आ चुका है। आज साक्षात्कार या बैठक में भी आपको विजय मिलेगी। लोगों से बातचीत आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आज काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपनी योग्यता और बेहतरीन कार्य प्रणाली द्वारा पूरे मनोयोग और ऊर्जा से उन्हें संपन्न करने में सक्षम भी रहेंगे। किसी रुके हुए कार्य को भी पुनः शुरू करने में सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों का असर आपकी विचारों पर ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। परिवार के लोगों के साथ दूरियां ना रखें, अपने काम पर ध्यान देते रहें। बड़ी खरीदारी या अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है, इस कारण पैसों के लिए चिंता दूर होगी। कला से जुड़े लोगों को सही अवसर मिल सकता है। पार्टनर के लिए नाराजगी जल्द ही दूर होगी। लो बीपी के कारण भी परेशानी हो सकती है। सावधानियां, जल्दबाजी करना उचित नहीं है। सोच समझकर धैर्यपूर्ण तरीके से चीजें अच्छी तरह व्यवस्थित होगी। व्यर्थ के झंझट में ना पड़े, अन्यथा इसकी वजह से आपका कोई लक्ष्य भी हाथ से निकल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप और आपका साथी दोनों मिलकर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ध्यान रहे, प्यार का मतलब किसी का हमेशा पास रहना ही नहीं होता, अपितु जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देना भी होता है। कभी कभी प्यार कड़वी दवाई जैसा भी लग सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन में दवा और दुआ दोनों ही अपनी उपयोगिता है। आपको जानने वाले लोग अपने गुणों से अच्छे से वाकिफ हैं और उनसे बातचीत करने से आपको नई योजनाएं और विचार मिल सकता है। प्यार में सच्चाई व उत्सुकता आपके रोमांटिक जीवन और आपको भी प्रफुल्लित बनाए रखेगी। पार्टनर को किस आलिंगन करना या प्यार के दो शब्द कहना भी चाहत का ही प्रतीक है। बात करते हैं करियर की। आज व्यापार में बिक्री या खरीद करते समय सावधान रहें, क्योंकि धन के नुकसान की संभावना है। आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं और अब इनका पूरा उपयोग करेंगे। योजनाएं बनाते समय पार्टनर्स और करीबी साथी की सलाह लें। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसर को खोजें। यह समय प्रगति और उपलब्धियों का है, यहाँ तक कि प्रसिद्धि का भाग्य आज आपका इंतजार कर रहे हैं। साक्षात्कार या मीटिंग में भी आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आप अच्छे से अपने विचारों को प्रकट कर पाएंगे। काम में अपने जुनून और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करें, किंतु अहंकारी न बने। आज कोई बड़ा निर्णय आपको निराश कर सकता है। व्यवस्थित कार्य प्रणाली और मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली है। मीडिया और ऑनलाइन कार्य से जुड़े व्यवसाय अधिक सफल रहेंगे। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय सावधानी बरतें। बात करते हैं सेहत की। जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या आपको आज परेशान कर सकती है।
महिलाएं विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाहर के खाने से बचकर रहें। आज के उपाय, गरीबों को आज हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।